हाय गाइस, मैं हूँ इस वक्त कंडोलिम बीच पे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग यहाँ पे है वो मुझे लग रहा है सिर्फ 7 से 8 बाइक्स है यहाँ पे। और नॉर्मली जहाँ भी आप जाएं गोवा में वहाँ पे पार्किंग के चार्जेस हैं, और यहाँ मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ कि पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि किसी का मुझे लगता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं। वो हिसाब से भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनएक्सप्लोर्ड बीच है ये, और जो क्राउड भी है वो भी मुझे यहाँ पे बाकी बीच के मुकाबले कम लग रहा है। वैसे तो आप देखें तो ये जो पूरा बीच है ये जो कलंगूट के लेन में आता है पूरा बीच, कंडोलिम हो गया, फिर गोल्डन आई बीच है, फिर आगे कलंगूट और उसके आगे बागा बीच। बट जहाँ तक मुझे क्लीनलीनेस और इसका सवाल है तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लीन बीच है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे और अनएक्सप्लोर्ड लग रहा है मुझे फिलहाल। तो आइए देखते हैं कि कैसा है ये बीच एग्जैक्टली। कंडोलिम बीच में एक चीज़ एक ऑब्जर्व की है कि नॉर्मली क्या होता है कि गोवा में हर एक बीच पे आपका एक रेड फ्लैग और येलो फ्लैग ये लोग लगाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंडोलिम बीच पे जो रेड फ्लैग है वो ज़्यादा है, येलो फ्लैग जो आपको सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक या दो ही मुझे येलो फ्लैग दिखे हैं वो भी काफ़ी दूर पे। तो बेसिक इसका पर्पज़ ये है कि जो वॉच है यहाँ पे लाइफ गार्ड का वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू कलंगूट एंड बागा, चूँकि वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है इसीलिए वहाँ पर लाइफ गार्ड ज़्यादा है वहाँ पे, एंड सेफ्टी के हिसाब से पब्लिक भी ज़्यादा है तो एक कंटिन्यूस वॉच रहता है। कंडोलिम में चूँकि मुझे लगता है कि थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड बीच है इसलिए यहाँ पे ये हर जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो पुणे से लेके आगे तक ये पूरा रेड फ्लैग जोन है। तो आप रेड फ्लैग जोन का मतलब बेसिक मतलब पर्पज़ ये है कि आप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, 2-5 मीटर अंदर जाइए उसके बाद वहाँ तक ही आपको गाड़ यदि दूर से देख रहा है तो आपके अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपको वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। ये इसका बेसिक पर्पस है। हाय गाइस, मेरे साथ इस वक्त हैं सूरज, लाइफगार्ड कंडोलिम बीच पे। आइए उनसे जानते हैं कि ये रेड फ्लैग एंड येलो फ्लैग का क्या सिग्निफिकेंस है बीच पे। तो सूरज जी, वेलकम टू आवर चैनल। पहले आपने सर आप मुझे बताइए कि ये रेड फ्लैग का मतलब है ने कम पानी में थोड़ा बहुत आगे रिस्की जोन होता है यहाँ पे, सडनली डीप रहता है और अंदर सडनली डीप रहता है, गड्ढे गड्ढे रहते हैं वहाँ पे, स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल रेड जोन है तो स्विमिंग करने के लिए आगे वो साइड में बिल्कुल अलाउड नहीं रहता है। ओके। और रेड एंड येलो फ्लैग का मतलब रहता है कि थोड़ा बहुत स्विमिंग जोन है, उस साइड में थोड़ा बहुत आप लोग स्विमिंग कर सकते हो आगे जाके, लेकिन ज्यादा डीप जाने का नहीं, थोड़ा बहुत डीप जा सके जाके अंदर स्विमिंग कर सकते हो जितनी आपकी काबिलियत है अंदर जाने की, साइड में स्विमिंग जाके उतना कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंडोलिम पे और गोल्डन आई पे रेड फ्लैग ज़्यादा है। हाँ, रेड फ्लैग अभी ये देखो, ये अभी तो बारिश अभी इससे पहले लग रहा था, अभी बारिश खत्म हुआ इस साइड में, अभी क्या बताया हुआ खाली स्विमिंग जोन बागा और कलंगूट बीच पे ही लगाया हुआ है अभी। ये साइड में आगे पूरा सडनली डीप है और खाली ये साइड, ये तो फॉरेनर बीच फेमस, फॉरेनर लोग जाते हैं उसको देखते, सारे इंडियन लोग भी जाते हैं उसको देखते, जो स्विमिंग नहीं आता है वो भी चला जाता है। करेक्ट, ऐसा है। और जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं उनको थोड़ा हम लोग कम मतलब ऐसा हम लोग मानते हैं कि उनको स्विमिंग ज़्यादा आती है तो थोड़ा हम लोग कम उस पर वॉच रखते हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके 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 ओके। तो फॉरनर को देख के थोड़ा इंडियन चले, फॉरेनर कैसे वो वही जगह पे आते हैं, हम लोग स्विमिंग उनका थोड़ा बहुत देखते हैं कि कितना अंदर चले जाते हैं, क्या है स्विमिंग किसको ज़्यादा आता है, उनको भी दिक्कत हो जाती है, उसको भी प्रॉब्लम हो चला जाता है, प्रॉब्लम होता है उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू सो मच। लोकेशन वाइज कंडोलिम बीच का जो लोकेशन है वो टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट में सिंकेरियम बीच पड़ता है, फिर कंडोलिम बीच है, फिर गोल्डन आई बीच है, थोड़ा और आप आगे जाएंगे मेरे ख्याल से 200 मीटर यदि आगे चाप वॉकिंग करते हुए जाएं, अभी एक दूसरा रास्ता भी है साइड से, तो गोल्डन आई बीच पड़ता है, देन उसके बाद कलंगूट एंड देन बागा। आप गोवा में हैं तो आपको समुद्र में नहाना तो एक मस्ट है, आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं।
आने का भी एक टेक्निक है। लहर के साथ आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक जंप लेना होता है, इसे समझिए लहर आई। मैं हूँ इस वक्त कैंडलम बीच पे कैफ़े रुमा के पास। मेरे साथ ही ये कैफ़े है, इसका इनके ओनर्स हैं, जो 30 ईयर्स पुराना ये कैफ़े रुमा है, और उनका नाम एंथनी है, उनसे बात करते हैं। बताइए कि ये आपका जो बीच है कैफ़े रुमा, सो कितने साल से है ये? सर 30 साल से, 1990 से। 1990 से, और ये जो 1990 में आपने ये बीच चालू किया था, सो ऑफकोर्स कोई भी नहीं था इंडियन टूरिस्ट। ओके, जब ये ओनली हिपी लोग थे। ओके, हिपी जो नंगे टूरिस्ट। हाँ, समझ गए। और ये की शेख था जिसने सबको ये टूरिज्म दिखाया, और इसी में अभी सब कचरा वाला भी मजा ले रहा है, गार्बेज वाला। लाइफ गार्ड भी जो आया है वो मेरे थ्रू आया है, क्योंकि जब हमने चालू किया था तभी ये सब पब्लिक ऐसे थे कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी, आओ जाओ गोवा तुम्हारा। करेक्ट, समझ गए। एंथनी सर, मुझे सर ये भी बताइए आप कि ये जब से कोरोना हुआ है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये गोवा के टूरिज्म पे, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट? ऐसा तो जीरो हो गया सबका। ओके, समझ गए। जिसको था, जिसने बनाया, जिसने नहीं था उसने 2 महीने में तोड़ दिया, एक ही महीने में, और जिसने था उसने ऐसे ले लिया रिस्क लिया। और किसी ने लाइसेंस होके भी लाइसेंस शैक नहीं डाला। तो ये जो शैक्स यहाँ पे गोवा में होता है, जो कि हर एक बीच पे है, और मेरे ख्याल से 6 महीने तक तो ये चलता है, बाकी जो विंटर सीजन जो रेनी सीजन रहता है वो इसमें वो टाइम पे पूरा बंद रहता है पूरा, तो वो 6 महीने वो टाइम पे आप लोग क्या करते हैं फिर? घर में बैठते हैं। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। जो बनाया है वो खा लेते हैं। तो जो बेसिक जो समझो आपका जो बिजनेस है वो 6 महीने में भी जो है वो आता है, उसमें भी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर इज अ प्राइम टाइम। ओके, तो इस बार जो मेरे ख्याल से भी जो ओमिक्रॉन का भी चल रहा है, और बाकी भी जो कोरोना तो चल ही रहा है 2 साल से, तो फॉरेन टूरिस्ट को मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो काफ़ी कम है। कम है इसीलिए कि उन लोग के पास, वो लोग कहते हैं कि उनके गांव में बहुत डिजीज़ है। समझ गए। आज मेरे पास बड़ा नेशनली एक बंदा बैठा था, डॉक्टर, जो इंडिया में नाम मशहूर है। ओके, वो बता रहा था कि सब गाँव में ये हो गया है, ये नया डिजीज जो आया है, लेकिन गोवा इज सो से Goa is so safe that people are not even aware of that mask, you know, and the helmets as well. Absolutely. They don't even know. Why do we want mask, you know? The Goa in India is the best state for all Indians to come and visit. Thank you so much, sir. Nice to meet you. Thanks for doing this video for me. ये बना राइड, और कौन से है ये? बम्पर राइड। बम्पर राइड क्या प्राइस है? 350 पर पर्सन। कितना टाइम लगता है? 600 रुपया तुम लोग का बम्पर का पड़ेगा। 600 रुपया? अरे 600 बम्पर राइड पूरा दो लोग का 600। बम्पर राइड दो का बता रहा हूं, दो का 600, एक का 350। नहीं उठा रे। क्या YouTube चैनल पर आप? कितने लोग रहते थे? छः लोग। पर पर्सन? हाँ, पर पर्सन कितने? कौन सा इसका? हाँ, एक आदमी का। एक आदमी कितने? पैकेज बहुत 1500 पड़ेगा 5 आदमी का। 5 में 1500 झूठ नहीं होता बेटा। हाँ, टाइम कितना का? टाइम कितना का? टाइम टू एक्स सर्कल लगा के आते
हाय गाइस, आज मेरे गोवा के जर्नी का लास्ट डे है। ट्रेन मेरी शाम के 7 बजे है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि दोपहर में मैं बीच पे 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करके शाम को यहाँ से निकलूँगा। मैं फ़िलहाल अभी कंडोलम बीच पे हूँ। ये मेरे पीछे है कैफ़े रोमा बीच शैक है। यहाँ पे आप रेंटेड देखना चाहें, जो सन बेड है ये 200 रुपीज़ पर बेड है फॉर 1 आवर। लेकिन यदि आप कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे तो उसके चार्जेस नहीं है, तो पर आवर के चार्जेस आपको सिर्फ यदि आप कुछ ऑर्डर नहीं करते हैं तो ही है। जो रेट्स यहाँ पे मेरे पास मेन्यू में है, कंपेयर टू कलंगुट एंड बागा चीपर है। गाइस, गोवा की जर्नी मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर टाइम। प्लीज़ गिव अस सजेशंस हाउ टू इम्प्रूव दिस वीडियो। ये जस्ट एक इनिशियल स्टेज है, तो आई नीड योर सजेशंस वेरी मच। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।